सदर हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना पर एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट पेश की जा सकती है और हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग समारोह में भारी भीड़ के बीच में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई, जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी। अब एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि बेहद ही सख्त लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी इसमें जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब किन किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी, रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस पर एक्शन लेने की अब बारी है। और यूपी के हाथरस से एक और जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हाथरस कांड में लोगों के गहने चोरी होने की शिकायत निकलकर सामने आई। एक आदमी ने अपनी मृत मां के गहने चोरी होने का आरोप लगाया और एक जख्मी महिला ने भी जेवर चोरी होने के आरोप लगाए हैं। बाबा सूरजपाल के वापस नहीं आने पर गुस्से में महिला बताई है कि उसके भी उस भगदड़ में गहने चोरी हुए। हाथरस कांड में कुछ हैरान कर देने वाले आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जब वह भगदड़ मची थी उसके बाद जख्मी लोगों और मृत महिलाओं के गहनों की चोरी की गई। एक मृत महिला के बेटे का दावा है कि उसकी मां के कई गहने चोरी किए गए और कान के कुंडल तो खींच लिए गए। कान में खून था, हाँ। इससे ऐसा लगे कि वो, हाँ, इससे लग रहा था कुंडल खींचे हुए हैं। यही नहीं, एक महिला जिनकी किसी तरह से जान बच गई लेकिन 2 जुलाई की घटना में वो जख्मी हो गई थी, उनका दावा है कि उनके भी जेवरात चोरी कर लिए गए। क्या गायब हुआ? देखो तोड़िया में और बिछिया और देखो और वो गले को तो पेंडल, गले का भी पेंडल तो सोने को। ये दावे चौंकाने वाले हैं। वैसे तो पीड़ित बस अंदाजा लगा रहे हैं कि जिन्होंने भगदड़ की वही लूटपाट भी करते चले गए, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि किसने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। और मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आपको मुंबई में अलग अलग जगहों की स्थिति आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए आप, मुंबई के सायन की बात हो या मुंबई के चूना भट्टी की या फिर माटुंगा की या मरीन ड्राइव की, हर जगह पानी सराबोर है। चाहे सड़कें हो, सड़कों में चलने के लिए, चाहे गाड़ियों के पहिए डूबे हो या फिर उसमें पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, फिलहाल सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। तो तेज बारिश का रेड अलर्ट भी मुंबई में जारी कर दिया गया है। सिंधुदुर्ग में स्कूलें बंद कर दी गई हैं। ट्रेन की रफ्तार मुंबई में धीरे हो चली है। हवाई और रेलवे सेवा फिलहाल ठप बताई जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद का आदेश सिंध सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो मुंबई में तेज बारिश से फिलहाल हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी